दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट. देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ हरीश एंड सीमा इज दिस मच. इफ द ट्वाइस द एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश द एज बाय 4, व्हाट इज द सीमा एज इन द ईयर. कहती जी सीमा की एज जो क्या होगी. देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बेस्ट वे तो ये रहता है कि आप लोग ऑप्शन से जाओ, क्योंकि इक्वेशन जो बनेगी वो काफ़ी लेंथी होगी और टाइम भी कंज्यूम करेगी. मैंने देखो यहाँ पे सीमा की एज निकालनी है. लेट से मैं पहला ऑप्शन पिक करता हूँ, दैट इज 12. अब उसके अंदर कहता क्या था, द ट्वाइस द एज ऑफ सीमा, ट्वाइस द एज ऑफ सीमा दैट मीन्स की इट विल बिकम 24 इज मोर देन द हरीश एज बाई 4. ये 4 है तो दूसरे की एज मेरे पास बच्चों क्या रहेगी, वहाँ पे 20 रहेगी. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, द प्रोडक्ट गिवन है मुझे, दैट शुड बी 48, जो कि मेरा आंसर नहीं हो सकता. ये आंसर नहीं बनेगा. दैट मीन्स कि ये तो यहाँ पे काम नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन कोई और बनना चाहिए मेरा कहीं से, तो वही चीज़ मैंने नेक्स्ट ढूंढनी है. लेट से कि अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, तो ये मेरा एग्जांपल है 20. 20 में से 4 कम करूँगा तो 16 होगा. 16 × 2 = 32 बनेगा, जो कि ये भी आंसर नहीं बन सकता. तो ठीक है बच्चों, मैं ये वाला पिक करता हूँ. ये वाला आंसर 10 है. 10 में से जो है 4 माइनस हुआ 6 हुआ, प्रोडक्ट जो बनेगा 60 बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. अब ये वाला अगर मैं पिक करता हूँ बच्चों, तो ये बना 14. 14 में से 4 गया 10, प्रोडक्ट बना 140, तो मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता. तो ऑप्शन कहाँ पे जाता है बच्चों, नन ऑफ दीज पे.